दुख मनुष्य के साहस से परा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये कहना था पद्मभूषित कवि कुंवर नारायण जी का। मैं अद्रिशा मंडल कक्षा द्वितीय की छात्रा आज आपके सामने उन्हीं के द्वारा रचित कविता नीम का फूल के कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक कड़वी मीठी औषधीय गंध से भर उठता था घर, जब आंगन के नीम में फूल आते साबुन के बुलबुलों से हवा में उड़ते हुए सफेद छोटे छोटे फूल दो एक माँ के बालों में उलझे रह जाते। जबकि तुलसी घर पर जल चढ़ाकर आंगन से लौटती, अजीब सी बात है, मैंने उन फूलों को जब भी सोचा बहुवचन में सोचा, उन्हें कुंभलाते कभी नहीं देखा, उस तरह रंगारंग खिलते भी नहीं देखा जैसे गुलमोहर या कचनार। पर कुछ था उनके झरने में खिलने से भी अधिक शालीन और गरिमामय, जो न हर्ष था न विशाल। जब भी याद आता वो विशाल दीर्घायु वृक्ष, याद आते उपनिषद, याद आते एक स्वच्छ सरल जीवन शैली, उसकी सदा शांत छाया में वह एक विचित्र सी उदार गुणवत्ता, जो गर्मी में शीतलता देती और जाड़ों में गर्माहट। याद आती एक तीखी पर मित्र सी सौंधी खुशबू, जैसे बाबा का स्वभाव। याद आती पेड़ के नीचे सबके लिए हमेशा परी रहने वाले बाघ के दो चार खाते, निबोलिया से खेलते एक बचपन। धन्यवाद।